नमस्कार, आज मैं दाल राइस ढोकला बनाने जा रही हूँ। आइए देखते हैं उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए हमें एक बैटर तैयार करना होगा, जिसे मैंने 2 कटोरी चावल, 3/4 कटोरी चना दाल और 1/2 कटोरी उड़द की बिना छिलके वाली दाल से बनाया है। इसे हमने 4 घंटे भिगोकर उसके बाद इसे पीस लिया है और 8 घंटे फर्मेंट होने के लिए रखा था। फर्मेंट होने के बाद ये देखिए, हमें इस तरह का बैटर तैयार करना है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें इतनी ही चाहिए। इसके अलावा हमें 1 टेबल स्पून चीनी, नमक, 1 नींबू का रस, 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल और ये हमने 2 हरी मिर्च, 8 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक का पेस्ट तैयार किया है। तड़के के लिए हमें 8 से 10 करी पत्ता, 1 लाल मिर्च, 1 चम्मच सफ़ेद तिल और राई चाहिए। सबसे पहले हम अपने इडली मेकर या कढ़ाई में 2 गिलास पानी डालकर उसे उबलने के लिए रख देंगे। जब तक पानी उबल रहा है, तब तक हम उस प्लेट या ट्रे को ग्रीस कर लेंगे जिसमें हमें ढोकला बनाना है। आइए अब बैटर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें नमक अपने स्वाद के अनुसार मिलाएंगे, 1 से 1.5 चम्मच चीनी लेंगे, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें 2 चम्मच तेल भी मिलाएंगे। तेल को मिलाकर सबसे आखिरी में हम ये नींबू का रस इसमें मिलाएंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिलाकर ट्रे में इस बैटर को डाल लेंगे। पानी उबल चुका है तो अब ये ट्रे हम इस इडली में ढोकला मेकर में डाल देंगे और ढक्कन लगाकर 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 12 मिनट के बाद चाकू डालकर देख लेंगे, अगर ये बिल्कुल भी साफ निकल आता है तो ये तैयार हो गया है। बाहर निकाल कर इसको ठंडा होने को रखते हैं, तब तक हम तड़का बना लेते हैं। एक बर्तन में 2 चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल गरम होने पर उसमें राई डाल देंगे। लाल मिर्च को 2 टुकड़े करके डालेंगे। उसके बाद इसमें तिल और करी पत्ता भी डाल देंगे। इस तड़के को धीमी आंच पर तिल के हल्का भूरा होने तक ही पकाना है। तब तक हम ढोकले को मनचाहे शेप में काट लेते हैं। उसके बाद इस तड़के को उस पर फैला देंगे। ये तैयार है, इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। हमारा दाल राइस ढोकला तैयार है, इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये एक बहुत ही जल्दी तैयार हो जाने वाला स्नैक है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।